चलिए तो शुरू करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के वो सवाल जो मचाए हैं बवाल। अब सवाल में गोली चले या बस निकले, यहां पर आपको सिर्फ देखेंगे सवालों का दम निकले, वो भी सेकंड्स में और कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, और देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना पेपर में खूब बम मचाए हैं, बड़ा धक्का धक धक्का धक धक्का अगर पूछे जा रहे। मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं ऐसे सवालों का जिसमें सवाल सेकंड्स में आपके सामने फिनिश होता हुआ खुद आपको देखेंगे कि आपको करना क्या होता है ऐसे सवालों में। जैसे पहले एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। एक बस डिपो से हर 12 मिनट में बस निकलती है, पर उन डिपो की तरफ आ रहे आदमी को हर 9 मिनट में बस मिलती है। यदि बस की चाल इतनी है तो आदमी की चाल क्या होगी? आपको क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आदमी की चाल या किसी और व्यक्ति की चाल पूछी जाए, आप लिख लीजिए चाल एक्स है। क्या लिख लिया आपने? चाल एक्स है। उसके बाद यहां पर जो चाल दी है बस की, वो आपको दी है 39 किलोमीटर प्रति घंटे। आपने लिख लिया 39 किलोमीटर प्रति घंटे बस की चाल है। अब ध्यान से समझिएगा, बस के साथ जो समय का, यानी बस की चाल के साथ जो आप जिस समय का गुणा करेंगे, वो समय किसका होगा? वो समय इन दोनों का अंतर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। ज्यादा स्पीड वाले के साथ आप जो समय लिखेंगे वो दोनों का अंतर होगा, यानी 39 में 12 और 9 का अंतर 3 मिनट, मिनट को घंटे में बदल लिया तो बटे 60 हो गया, ठीक है। और उसके साथ जहां पर आदमी की चाल पूछ रहा था, यहां पर कौन सा समय रखेंगे? तो यहां पर आप हमेशा कम वाला समय इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? कम वाला। तो 9 मिनट, 9 को इसमें बदल लिया 60, बराबर कर दीजिए, आपका सवाल का आंसर आ गया 60 से 60 खत्म हो गया। 3 से इसको काट दीजिए 3 बार, और 3 से ये काट दीजिए 13, यानी आपके पास आदमी की चाल आ गई 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ये सवाल खत्म हो चुका, और इससे ज्यादा इसका इजी मेथड पूरी दुनिया में बना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बस डिपो से हर 10 मिनट में बस निकलती है, बस डिपो की तरफ आ रहे आदमी को 8 मिनट में मिलती है, बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे। सुनिएगा, बस की चाल अब की बार है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। बस के साथ आप किसका गुणा करेंगे, यानी अधिक चाल के साथ किसका गुणा करेंगे? तो अधिक चाल के साथ हमेशा समय के अंतर का गुणा करेंगे, यानी 2 मिनट का अंतर है जिसको हम लोग घंटे में बदल लेते हैं, 2/60 कर लेते हैं, राइट। अब उसके बाद पूछा है आदमी की चाल, तो आदमी की चाल आपने लिखी एक्स, और इसके साथ जिस समय का गुणा करेंगे वो समय होगा छोटा वाला समय, कम वाला, यानी 8 का, 8/60। इस 60 से फिर ये 60 कैंसिल, 2 से काटिए 4, और 4 से काट लीजिए 5, यानी आदमी की चाल फिर से आपके पास सेकंडों में आ चुकी है कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। फिर देखिए 28 मिनट के अंतराल पर अब बंदूक चलाई गई, अभी तक आदमी निकल रहा था, बस निकल रही थी, अब क्या हो रहा है? बंदूक चलाई जा रही है। तो बंदूक चले या आदमी चले, सवाल का दम निकलेगा, बस कैसे भी निकलेगा। देखिए 28 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती है, परंतु रेलगाड़ी में सवार व्यक्ति को पहली गोली चलने के 26 मिनट के बाद दूसरी गोली की आवाज सुनती, ध्वनि का वेग दिया। ध्वनि का वेग कितना दिया? 390 मीटर पर सेकंड। मैंने लिख लिया 390 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग है। यूनिट का खासा ख्याल रखिएगा हर बार, ये मीटर प्रति सेकंड में। तो ज्यादा स्पीड के साथ दोनों के समय का अंतर मल्टीप्लाई करते हैं, 28 और 26 का अंतर 2 मिनट। मिनट को अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो अपने पास 60 का गुणा होगा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगा अपने पास जिसकी चाल पूछ रहा था, यानी गाड़ी की चाल। तो गाड़ी की चाल मैं मान लेता हूं x, और इसके साथ जिस समय का गुणा होगा वो समय होगा कम वाला। कम वाला मतलब 26, 26/60, यानी मिनट था सेकंड में बदलने के लिए। 60 से 60 का काम खत्म कर लेते हैं, 2 से काटिए 13 बार, और 13 से आप इसको काट लीजिए तो आपके पास 13 से 39, यानी कि आपका जवाब आ जाएगा कि गाड़ी की चाल जो होगी वो 30 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर, खटाक से खट खटाखट खटाखट। नेक्स्ट देखिए 33 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती हैं, परंतु रेलगाड़ी में सवार कोई व्यक्ति पहली गोली चलने के 30 मिनट बाद दूसरी गोली की आवाज सुनता है। यदि पहली ध्वनि का जो वेग है ना, ध्वनि का वेग वो 250 मीटर प्रति सेकंड है, तो गाड़ी की चाल क्या होगी? समझिएगा, ध्वनि का वेग 250 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्वनि का वेग अगर 250 मीटर प्रति सेकंड है तो इसमें किसका गुणा करेंगे? स्पीड ज्यादा है तो आप कहोगे 33 मिनट और 30 मिनट के अंतर का, यानी कि 3 मिनट का गुणा करेंगे, और मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हमें चाहिए यहां पर किसकी? गाड़ी की चाल। तो मैंने लिख लिया गाड़ी की चाल एक्स है। गाड़ी की चाल यानी कम स्पीड वाले के साथ हमेशा कम समय का गुणा करेंगे, तो कम समय है 30 मिनट, और इसको सेकंड में बदलने के लिए आपने 60 से गुणा कर लिया। 60 से 60 का काम खत्म, 3 से कट जाएगा ये 10 बार में, और 10 से 10 यहां पर और खत्म हो जाएगा, यानी कि गाड़ी की चाल जो होगी वो होगी 25 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है? सर कोई ऑप्शन नहीं। तो कोई ऑप्शन नहीं तो एक ऑप्शन आप बढ़ा लीजिए कि ऑप्शन जो होगा वो होगा 25 मीटर प्रति सेकंड आपका सही जवाब। कौन सा होगा? 25 मीटर प्रति सेकंड सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
किसी दूरी के तय करने में ए और बी के चालों का अनुपात 3:4 है, ए और बी दो लोग हैं, इनके चाल यानी कि स्पीड का जो रेशियो दिया है वो है 3:4। अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो दूरी नियत होने की अवस्था में जो टाइम का अनुपात होता है वो चेंज हो जाता है, तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 4:3 का, राइट, 4:3 का। कहता है ए को बी से 30 मिनट अधिक लगता है। अब देखिए ए कितना समय ले रहा है 4 के अनुपात में, बी कितना ले रहा है 3 के अनुपात में, तो ए ने कितना समय ज्यादा लिया, एक यूनिट जिसका मान आपके पास कितना है 30 मिनट है। तो अगर एक यूनिट का मान 30 मिनट है तो आप बताएंगे 4 यूनिट का मान क्या होगा, 4 × 30 मिनट मतलब कि 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे भी होता है, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 2 घंटे इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं आप इनको सराहेंगे और इनका आनंद लेंगे अपने एग्जाम देते समय, और मैं आपके सामने ऐसे ही तमाम वीडियोस और लेके आता रहूंगा, धीरे धीरे तमाम और सारे ट्रिकी वीडियोस लेकर आऊंगा। फटाफट से इसको देखिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, इस बात इसमें कंजूसी मत करिएगा, कमेंट और लाइक करने में इसमें कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। आप जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे उससे मेरा मोटिवेशन हाई होता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो मैं आपके लिए और कुछ अच्छा करने के लिए भी विचार करता हूँ। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।